कोल मैडम आए थे नाल डीएम वेयर हाउस से पांच साहब सारे से उन्होंने भरोसा दिता है कि सारे वार्डन मिलेगा बाकी मिलन दे भरोसा दिता भी सारे वार्डन मिलेगा अभी पिछली एजेंसी वाद पे दूजी एजेंसी मूव करनी है वार्डन कि माल आज बहुत पे काफ़ी ज़्यादा पे हरेक दुकान से मतलब हज़ार कट्टे से लैके दस हज़ार कट्टे तक एक एक दुकान से नहीं पोर्टल के साइड जी कई बार डाउन हो जाती है वो चलती है ढेरिया जो चढ़दिया नहीं है वो रुक जाती है देखो फिर तो मजबूरी के सू कुछ ना कुछ करना पेगा चाहे सड़क जाम करनी पे कुछ भी करना पेगा तो फिर देखा की करना नहीं हजे तक कोई पेमेंट नहीं है सरकार ने ये पेमेंट जल्द जल्द जी किसानों के खाते पावे देखो जी मेरे कहने नालों पहला तो तुम हालात देख ले मंडी के लिफ्टिंग की प्रॉब्लम आ बारदाने की प्रॉब्लम आ प्रशासन ने सानू ये जरूर दिलासा दिता कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी तो साड़ी यूनियन के दोनों प्रधान ने संमति नाल ही फैसला किया कि आप चलो एक बार इन्हां दी गल ते असीं अमल जरूर करांगे कोई खज्जल खवारी सानू कल्लियां नूं नहीं साडे नाल किसान रोल रहे ने जिहड़ा सरकार ने पोर्टल बनाया पोर्टल दे हालात ने कि सानू एक एक दो दो दिन लग जांदे ने उहदे इक बिल चढ़ाउण नूं हुण असीं पहलां बिल चढ़ाईए फिर साडे कोल बारदाना नहीं जे फड़ां च जांदे आ तां साडे नाल जिमीदार लड़दा साडा कसूर इह आ कि असीं आड़ती आ सानू आड़ती होण दी सज़ा मिल रही आ साडी सरकार नूं बेनती हथ जोड़ के कि साडा ते जिमीदार दा नौ मास दा रिश्ता इहनूं खराब ना करो सानू बारदाना दो और जो सानू तसल्लियां दित्तियां जो अज प्रशासन ने सानू कहा कि असीं इस ते अमल करांगे कृपा करके उहदे ते पूरे उतरो तां कि असीं जिन्ने भी आड़ती तुसीं इक वार जे कैमरा घुमाओ तो देखो साडी यूनियन इत्थे खड़ी आ क्योंकि ना पोर्टल चढ़ रहा ना सानू बारदाना मिल रहा एक पासे परेशानी होवे तां असीं लड़ दईए किन्ने क बारदाने की लोड़ है जी थोड़ा मंडी बारदाने की लोड़ इस टाइम मेरे ख्याल नाल भी किसी माड़ी तो माड़ी दुकान से 2000-3000 कट्टा ये पीक पीक टाइम चल रहा पिया वा जे तगड़ा आड़ती आ किसी के 20000 कट्टा पिया जे कोई माड़ा दे 5 पिया मतलब 2-3000 कट्टा तो हरेक आड़ती को पिया वा और हुण सानू आस आ कि प्रशासन साडी आस सुनूगा और सानू बारदाना दूगा जे एक दो दिन बारदाना थोड़ा नहीं प्रोवाइड होंगे जी फिर की करना फिर असी जे सरकार साडी गल नहीं मनूगी फिर मजबूरन सानू धरने पर बैठना पेगा क्योंकि जिमीदार साढ़े बिल्कुल तुसी साडे फड़ां दे विच जाके गेड़ा मार के देखो तो थोनू साडे चेहरे ते शिकन घट दिखू जिमीदार दे वध दिखूगी एक मौसम दा साथ नहीं बारदाना सानू मिल नहीं रहा माल लिफ्ट नहीं हो रहा साडे को जगह नहीं तो फिर यूनियन दे प्रधानां नाल साडी गल हुई यही कि जे हुण सारी यूनियन ने साडी ने फैसला किया कि जे सानू बारदाना जां लिफ्टिंग दी प्रॉब्लम आई फिर सानू मजबूरन सड़कां ते आउणा तकरीबन 12 अप्रैल तो खरीद शुरू है इत्थे 4 एजेंसियां दी मुख खरीद है पनग्रेन मार्कफेड वेयरहाउस और पंसब जिन्हां दे विच्चों मार्कफेड कोल बारदाना उन्हां दी अलाटमेंट के मुताबक है पर पंसब और वेयरहाउस अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं कि साडे कोल साडी जो अलाटमेंट है वो मुताबक 35-40% बारदाना उन्हां दा सिर्फ अज जिस तरह पंसब दीआं 30 गठ्ठां आईआं हन 2 दिन बाद ते अड्डी वड्डी मंडी दे विच 30 गठ्ठां नाल कुछ नहीं बनता वेयरहाउस दे 2 दिन हो गए कोई गठ नहीं आई ये सारे कुछ दी जिहड़ी प्रॉब्लम आई है ये तो पहले ही सरकार दे चलो वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स ने साढ़े इतने 30 किलो वाला माल लगता सीगा उहदी कपैसिटी भी ठीक सी उह पता नहीं क्यों इत्थों कट के कूम चला गया परमात्मा नूं पता उस तो बाद वेयरहाउस की कपैसिटी वधा दित्ती गई है इत्थे और पनग्रेन की घटा दित्ती गई है पनग्रेन कोल बारदाना है जां तां इहदा हल है भी उन्हां दी खरीद वधाई जावे पनग्रेन की जां पनग्रेन कोलों दूसरियां एजेंसियां नूं जिन्हां कोल बारदाना नहीं है उन्हां नूं बारदाना दवाया जावे जिहदे नाल कि जिहड़ी खरीद है निर्विघन चालू हो सके बाकी सेंटर पूल का माल है माछीवाड़े दे विच स्टोरेज कपैसिटी घट है अगे भी ये माल स्पैशलां दे विच डायरैक्ट डिलीवरी राहीं जांदा जो कि हूँ तक सिर्फ कोई 20-30 हज़ार कट्टे तक टोटल लिफ्टिंग हुई है लिफ्टिंग की भी प्रॉब्लम है वो तो वह स्पैशल दिखाई जान जिदे
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਹੀਪ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੀਪ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 1% ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ DFC, ਪੰਜ ਸਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਔਫ ਦੀ ਆੜਤੀਆ, ਵੀ ਆਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਟਰੈਵਲਸ ਬਿਫੋਰ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਐਪਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗੇ।